नमस्कार दोस्तों, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ सेंट्रल रेलवे के बारे में। तो सेंट्रल रेलवे का जो जॉब है वो कुल मिलाकर देखा है तो 2422 वैकेंसी है, जिसमें अप्रेंटिस के लिए पोस्ट है, जिसमें अप्रेंटिस के लिए ही पोस्ट है। तो कुल मिलाकर 2422 वैकेंसीज है जो टोटली आप अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। और ये जो जॉब है, इस जॉब के लिए आप अप्लाई करने के लिए इसका प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से अप्लाई करेंगे, सारा इन्फॉर्मेशन मैं एक एक करके आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस जॉब के इन्फॉर्मेशन डिटेल्स में इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के जॉब के बारे में। तो सबसे पहली बात आप देखेंगे, सेंट्रल रेलवे के जो जॉब है वो कुल मिलाकर 2422 वैकेंसीज है, या जो कुल मिलाकर जो वैकेंसीज है वो आपको महाराष्ट्र में अप्रेंटिस का मौका मिलेगा। मतलब तो कुल मिलाकर जो वैकेंसीज है वो सारे के सारे पोस्ट महाराष्ट्र के लिए है, सेंट्रल रेलवे के जॉब है। और यहाँ पे देखिए जो पोस्ट है, जो ट्रेड है, जैसे फिटर है 956 वैकेंसी, वेल्डर 184 वैकेंसीज, कारपेंटर के लिए 170 वैकेंसीज है, साथ ही साथ प्रिंटर के लिए सॉरी प्रिंटर के लिए, चैनल के लिए 77, एंड यहाँ पे देख सकते हैं टॉलर के लिए 18 वैकेंसीज, इलेक्ट्रिशियन 540, मैशिनिस्ट के लिए 85 वैकेंसीज, साथ ही साथ प्रोग्राम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 12 वैकेंसीज। यहाँ पे देखिए मैकेनिक डीजल के लिए 192, टर्नर के लिए 25, यहाँ पे देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंटल मैकेनिक के लिए 5 वैकेंसीज, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 5 वैकेंसीज, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 35, यहाँ पे देखिए सीट मेटल वर्कर के लिए 22, एंड यहाँ पे देख सकते हैं मैकेनिक मशीन टूल्स के लिए 63, एंड कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 20, एंड यहाँ पे मैकेनिक के लिए 11, एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 2। तो कुल मिलाकर 2422 वैकेंसीज आपको मिलेगा। तो यहाँ पे जो जॉब है वो जनरल के लिए 15 से 24, ओबीसी के लिए 15 से 27, एससी एसटी के लिए 15 से 29 वैकेंसीज देखने को मिला। सैलरी पैकेज के बारे में बात करूँ तो सॉरी सिलेक्शन प्रोसीड्यूर के बारे में बात करूँ तो रिटेन टेस्ट और इंटरव्यूज दोनों के माध्यम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 7,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगा। एप्लीकेशन के फीस 100 रुपीज़ है। SC ST फिजिकल हैंडीकेप के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10 स्टैंडर्ड मिनिमम, और वो भी आपको 50% मार्क्स लेकर पास आउट होना है। हाँ, SC ST कैटेगरीज के लिए थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्सेशन रहेगा, और ITI होना पास आउट होना चाहिए। आप जिस स्टेट में अप्लाई करना चाहते हैं उस स्टेट में आपको ITI पास आउट होना चाहिए, और वो भी NCVT से, देखिए STVT से नहीं होगा। STVT मतलब स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, तो STVT से नहीं होगा, तो आपको होना है पास आउट NCVT से, तो सॉरी SCVT, तो SCVT से नहीं होगा, स्टेट काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग से नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको सर्टिफिकेट है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका लास्ट डेट रहेगा 15 जनवरी, उससे पहले आपको अप्लाई करना होगा। किस तरीके से अप्लाई करेंगे वो डिटेल्स में आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, उससे पहले आप जरूर रिक्वेस्ट करूंगा इस दोनों लिंक को आप जरूर ज्वाइन करिए, टेलीग्राम को और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। नोटिफिकेशन में क्लिक करना और अप्लाई बटन में क्लिक करना, दोनों में अलग अलग पेज ओपन हो जाएगा। नोटिफिकेशन में क्लिक करना तो इस पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे नोटिफिकेशन के सारे इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल्स में मिल जाएगा जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पूरा डिटेल्स ध्यान से पढ़िएगा, अगर आपको कुछ भी मिस्टेक हो गया, कोई भी नोटिफिकेशन डिटेल्स में जानना है तो यहाँ पे जॉब से जा सकते हैं, क्योंकि देखिए जो जितने सारे पोस्ट है उसके लिए कैटेगरी वाइज भी पोस्ट यहाँ पे दिया गया है, और उसके लिए आपको जो पास आउट होना चाहिए वो भी आपको दिया हुआ है, और कितने दिनों के लिए आपका अप्रेंटिस ट्रेनिंग होगा वो यहाँ पे आपको दिया गया है। उसके बाद अप्लाई बटन में क्लिक करना तो इस पे जो ओपन हो जाएगी, यहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा, अप्लाई लिंक दिखेगा, उस लिंक में जाकर आपको अप्लाई करना होगा। आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो को कैसे लगा जरूर कमेंट करना, इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट नया एक जॉब लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।